हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हम अपने पिछले दो वीडियोस की बात करें तो उसमें हमने जीएसटी के बारे में बहुत कुछ समझा, जीएसटी का मतलब समझा, जीएसटी आने से पहले हमारे कंट्रीज़ में कौन कौन से टैक्सेस थे इसके बारे में हमने बात करी, और उन इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या कमियाँ थी हमने उस बारे में भी बात करी। जीएसटी के क्या फ़ायदे थे, इनके जीएसटी के क्या टाइप्स थे, उस बारे में हमने डिटेल में बात करी है। और फिर उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज हमने सीखी हैं जीएसटी की, जीएसटी इनपुट और जीएसटी आउटपुट के बारे में बहुत अच्छे से हमने सीखा है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेटिंग ऑफ जीएसटी इनपुट अगेंस्ट जीएसटी आउटपुट, जीएसटी इनपुट को जीएसटी आउटपुट के साथ कैसे सेट करना है ये हम समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ में। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके जीएसटी खास तौर से लेकर, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जीएसटी ही है, तो इसलिए आपने बेस से आगे तक बहुत अच्छे से समझना है। आज का इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, कुछ भी अगर आपको डाउट्स लगते हैं तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे सेटिंग ऑफ की तरफ, सेटिंग ऑफ ऑफ जीएसटी इनपुट अगेंस्ट आउटपुट। उससे पहले मैं फिर से चाहता हूँ एक बार आपका जो हमने अकाउंटिंग एंट्री करी थी परचेज़ के टाइम पे और सेल्स के टाइम पे, उसको रिकलेक्ट कर ले हम फिर से। तो परचेज़ के टाइम पे, परचेज़ ऑफ गुड्स के टाइम पे हमारी जो एंट्री होती थी, मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ एक दफ़े, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अगर हमने राम हमारा क्रेडिटर है तो राम अकाउंट, या अगर कैश में भी हमने लिया है तो कैश अकाउंट, वट एवर। तो ये हमारी परचेज की एंट्रीज होती थी। अगर सपोज अगर 10,000 की हमारी परचेजिंग थी और उस पर अगर जीएसटी रेट जो था वो 10% था, तो 5% CGST और 5% SGST, तो इट मीन्स 500 रुपीज़ CGST और SGST भी 500, तो 11,000 रुपीज़ की पे करने पड़ेंगे हमें 10,000 रुपीज़ का गुड्स खरीदने के लिए राम को, या अगर कैश दिया है तब भी इतना करना पड़ेगा। तो ये हमारी थी एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। अब एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है, राम को बेचा है आपने, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। और अगेन अगर 10,000 की सेल है तो 500 रुपीज़ CGST, 500 रुपीज़ ये, और 11,000 रुपीज़ हमारे हो गए राम को हमने डेबिट किया। तो ये हमारी एंट्री, बेसिक एंट्री जो हमने पिछली दफ़े समझी। परचेज़ के टाइम पे इनपुट फिर से याद करिए, इनपुट जो हमारी इनपुट को हमने सेट ऑफ करना है अगेंस्ट आउटपुट। इनपुट को हम लोग एसेट्स मानते हैं और आउटपुट को हम लोग लायबिलिटी मांगते हैं, क्योंकि ये हमने कलेक्ट किया है CGST और SGST ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलेंगे सेटिंग ऑफ ऑफ इनपुट अगेंस्ट आउटपुट। स्टूडेंट्स, परचेजेस बिजनेस के अंदर कोई एक बार नहीं होती है, डेली परचेजेस हो सकती है, पूरा महीना परचेजेस हो सकती है। तो अगर मैं इमेजिनरी फिगर लेके चलूं कि सारी परचेजेस का इनपुट इतना है, हमने जो परचेजेस करी है CGST इनपुट हमने इतना दिया पेमेंट के टाइम पे, और SGST का इतना दिया और IGST का दिया, तो टोटल मैं एक इमेजिनरी फिगर यहाँ पे आपको लिखता हूँ परचेजेस के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ परचेज इनपुट CGST 5,000,
इनपुट SGST 7000 एंड इनपुट IGST 10000। आप ये मान लीजिए कि ये सारे महीने की हमारी परचेजेस थी जिसमें हमने इनपुट इतना दिया हुआ है। इसी तरह आप ले लीजिए सेल्स में, सेल्स में आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST 8000, 9000, 8000। ये हमारी इमेजिनरी फिगर्स हैं, सेल्स के टाइम कलेक्ट करी हैं और परचेज के टाइम हमने पे किया है। अब परचेजेस के टाइम जो इनपुट्स हैं इनको हम बोलते हैं एसेट्स, और इनको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। अब देखिए इसको अफेक्ट बैलेंस शीट्स में किस तरह जाएगा। हम बोलते हैं अगर ये एसेट्स हैं तो बैलेंस शीट्स में अगर मैं इन सबको यहाँ पे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर ये लायबिलिटी है अगर इन सारी आउटपुट्स को मैं इधर लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसा ही करते हैं, आउटपुट CGST फिगर हमने लिया है 8000, 9000 एंड 8000, आउटपुट आउटपुट। इसी तरह ले लीजिए इनपुट फाइव थाउजेंड, सेवन थाउजेंड। अब देखिए सेट ऑफ कैसे होगा। गवर्नमेंट कहती है जो आप इनपुट है CGST का है वो CGST से ही सेट ऑफ करेंगे, और SGST का SGST से, और IGST का IGST से। ये हमारा टोटल है, इसके हिसाब से एसेट्स हमारी 22,000 की हैं और लायबिलिटीज़ हमारी 25,000 की है। जो डिफरेंस है वो लायबिलिटीज़ में ज़्यादा है 3,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब अगर हम इनपुट को CGST इनपुट को IGST इनपुट से करें तो हम क्या करेंगे, इस 5,000 को यहाँ से हटा देंगे, और इस 8,000 में से अगर हम 5,000 हटा दें तो ये कितना रह जाएगा, 8,000 माइनस 5,000 3,000। कोई परेशानी की बात नहीं है इसके अंदर। इसी तरह SGST में से हम SGST आउटपुट को लेस कर दें इनपुट में से, अगर हम 7,000, ये हमारा इनपुट पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है हमारा निल, ठीक है। ये 7,000 इसमें से कर दें, ये आ गया 2,000, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमारा इनपुट पूरा का पूरा हमने कंज्यूम कर लिया अपना। अब इधर देखिए, यहाँ इनपुट है 10,000 और हमारे पास जो आउटपुट है जिसमें से हम एडजस्ट करेंगे वो है सिर्फ से 8,000। अब यहाँ तो समस्या है, अब यहाँ कैसे कर सकते हैं। अब ये है कि आउटपुट हमें जो हमें पे करना है, हम चलो कम से कम 8,000 यहाँ से तो हम माइनस करें इसको। अगर हम इसको निल कर दें और यहाँ पे हम 2,000 दिखा दें बैलेंस, मतलब इनपुट का बैलेंस अभी 2,000 है और ये बैलेंस ख़त्म हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब गवर्नमेंट कहती है अगर IGST में अगर कुछ बचता है, इनपुट में अभी भी बच रहा है आपके पास, तो आप CGST से कर लो। पहले CGST से करो, उसके बाद भी कुछ बच रहा है तब आप SGST से करो। अब हम देखते हैं इसको पूरा का पूरा, ये भी हम ख़त्म कर देते हैं। नील कहाँ ख़त्म हो गया हमारा, ये 2000 निकल के अब कितना बच गया, बैलेंस 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने सिर्फ से सेट ऑफ किया है, IGST जो हमारा इनपुट में बच गया था हमने उसको CGST आउटपुट से एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि IGST जो आउटपुट था वो कम अमाउंट था और हमारा इनपुट अमाउंट ज़्यादा था, तो हमने ये कर दिया। अब भी आप देखेंगे जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो 3000 रुपीज़ है, 3000 रुपीज़ बैलेंस। ये बैलेंस के किस साइड है हमारा, लायबिलिटी साइड है, इट मींस पेड, इसको पे कर दो। गवर्नमेंट कह रही है आपने ये सब पे नहीं करना, आपने सिर्फ से 3000 रुपीज़ पे करने हैं, पेड। एक और एग्जांपल लेके चलेंगे, उससे पहले मैं और अच्छे से आपको रूल्स बताता हूँ कि किसको किससे सेट ऑफ करना है। अगर एक चीज़ कंज्यूम हो जाती है तो उसको दूसरी जगह कहाँ सेट ऑफ कर सकते हैं, ये भी मैं बताता हूँ। अभी मैं इसको रैप कर रहा हूँ। अब देखिए हमारा GST टैक्स लॉ क्या कहता है कि किस तरह सेट ऑफ करोगे, क्या रूल है वो देखिए। कहते हैं CGST इनपुट आपने किस तरह एडजस्ट करना है, सबसे पहले CGST आउटपुट से ही एडजस्ट होगा। ये CGST का CGST आउटपुट से ही होगा, SGST आउटपुट से नहीं हो सकता। अगर फिर भी इनपुट अमाउंट बैलेंस है तब सेकंड चॉइस है ये आपकी, तब IGST आउटपुट। ये है CGST का रूल। अगर CGST को सबसे पहले एडजस्ट करिए इनपुट को CGST के ही आउटपुट से और उसके बाद IGST के आउटपुट से, और फिर भी अगर बैलेंस बच रहा है तो वो हमारी एसेट्स है और उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ कर सकते हो आप कैरी फॉरवर्ड। और अगर आउटपुट बैलेंस है तो वो हमारी लायबिलिटी है, उसको पे करो। अब देखिए SGST, SGST इनपुट ये किससे के थ्रू पे होगा, सबसे पहले ये होगा SGST आउटपुट से। सेकंड प्रेफरेंस में होगा IGST आउटपुट, ये ऑर्डर है। SGST इनपुट को SGST से ही करना है, SGST को हम CGST से नहीं कर सकते, तो SGST इनपुट को SGST आउटपुट। फिर भी अगर इनपुट बचा रह गया है तो हम उसको IGST आउटपुट से करेंगे, और फिर भी अगर बच रहा है इनपुट अभी भी ज़्यादा है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, और अगर आउटपुट ज़्यादा है तो उसको पे करिए, लायबिलिटी है हमारी, सिंपल। अब देखिए IGST इनपुट ये किसको करेंगे, सबसे पहले सेम है IGST आउटपुट, फिर भी अगर इनपुट बचा हुआ है तब सेकंड होगा CGST आउटपुट, और उसके बाद होगा SGST आउटपुट। तो ये ऑर्डर है, सेटिंग ऑफ इनपुट अगेंस्ट आउटपुट,
CGST, SGST और IGST के लिए। और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल फिगर लेते हैं, इमेजिनरी फिगर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कुछ भी आपके मन में डाउट्स ना रहें, इस ऑर्डर को अच्छे से ध्यान रख लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। सपोज परचेजेस, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, ये आपको दिया हुआ है सपोज 4000, 6000, 9000। इसी तरह सेल्स पे आ जाइए, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, फाइव थाउजेंड, सेवन थाउजेंड और ये कुछ इमेजिनरी फिगर्स लिख दी हैं मैंने, सिर्फ से प्रैक्टिस करवाने के लिए कि किसको कैसे अपने एडजस्ट करना है, इनपुट को आउटपुट में कैसे एडजस्ट करोगे। अब देखिए CGST अगर हम एडजस्ट करते हैं, CGST आउटपुट कितना है हमारा, 5000 और इनपुट CGST 4000। आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है, इट मीन्स हमें ये अभी पे करना है, हमारी लायबिलिटी है। चलिए अभी तो हमारा ये CGST पे आ गया, अब देखिए SGST। आउटपुट ज़्यादा है, आउटपुट SGST 7000 है और इनपुट SGST 6000। यहाँ पर भी हमारा आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है, ये हो गया 1000, SGST में भी ज़्यादा है। यूजली स्टूडेंट्स आउटपुट जो मिलेगा आपको ज़्यादा ही मिलेगा, इनपुट कम होगा। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि ये हमारी परचेजेस है, रॉ मटेरियल भी परचेज हो सकता है, रॉ मटेरियल को हमने सिर्फ फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया है, उसके ऊपर हमने अपना प्रॉफिट ऐड किया है और फिर CGST और SGST और IGST जो भी है वो लगाया है, तो इसलिए मैक्सिमम केसेस में हमारा आउटपुट ही ज़्यादा होता है, इनपुट कम होता है। लेकिन हो सकता है किसी किसी केस में इनपुट भी ज़्यादा हो। अब देख लेते हैं IGST। IGST में हमारा इनपुट ज़्यादा है और इनपुट IGST, आउटपुट IGST। इनपुट है हमारा 9000 और ये है हमारा 6500। ये है हमारा CGST, SGST और IGST। IGST में हमारा इनपुट जो है वो बैलेंस बच रहा है। अब IGST का अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर इनपुट ज़्यादा बच रहा है तो उसको फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी हमारी, फर्स्ट चॉइस हमारा रहेगा इस इनपुट को CGST से आप सेट ऑफ करें, फिर भी बच रहा है तो हम SGST से सेट ऑफ करें। अब आप यहाँ देखिए IGST जो है 2500 है, हमें इस 2500 को कैसे सेट ऑफ करेंगे, CGST में जो हमारा आउटपुट है 1000 है, तो इट मीन्स CGST के आउटपुट को तो हम निल कर सकते हैं, निल कर देंगे, नो लायबिलिटी, नथिंग टू पे। IGST में अब ये कितना रह गया हमारा 1500, 1000 माइनस हो गया उसमें से। अब
अब क्या चॉइस है हमारे पास? अब कोई चॉइस नहीं बची, सिर्फ से हम SGST से इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अब हमने इसको भी सेट ऑफ कर दिया, ये रह गया, हो गया हमारा निल। SGST की भी हमारी जो लायबिलिटी है वो हो गई निल, कुछ नहीं पे करना। और ये कितना रह गया, ये अभी हमारा इनपुट बैलेंस चल रहा है, ये हमारा रह गया अब 500 रह गया। तो अब ये तो एडजस्ट हो नहीं सकता, तो ये हमारी है एसेट्स, क्योंकि इनपुट का बैलेंस बाकी है, एसेट्स है। आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, अगले महीने आप इसको एडजस्ट कर लेना। तो अभी हमने GST का सेटिंग ऑफ इनपुट को आउटपुट से कैसे सेट ऑफ करना है वो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है, अलग अलग तरीके से। इस एग्जांपल में हमने देखा एसेट्स बच रही थी, पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा लायबिलिटी थी जो हमें पे करनी थी, वो तो हमें पे करनी है। एसेट्स को हम नेक्स्ट मंथ में भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ये हमारे था सेट ऑफ वाला। अब इस वीडियो में तो इतना सफिशिएंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम GST के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।